तमो बुद्धाय आप सभी को। बहुत दिनों बाद प्रकृति से फिर से एक बार ये संधि मिली है कि हम आपको धम्म सिखाएं। जो भी नए प्रैक्टिशनर हैं ग्रुप में जुड़े हुए, जो भी पुराने साधक हैं, तो आज की ये धम्मादेशना सभी के लिए लाभदायी रहे। इस मंगल मैत्री के साथ में हमारे धम्मादेशना को शुरू करने जा रहे हैं। सभी ने बहुत ही एकाग्र चित्त से एक जगह बैठकर इस धम्म को श्रवण करना है, ताकि इस भगवान बुद्ध के वचन हमारे चित्त में ठीक से स्थापित हो। इसलिए एक जगह अच्छे से बैठकर इस धम्म को सुनना है। उससे पहले ये जो धम्म यहाँ उत्पन्न होने जा रहा है, वो धम्म सिर्फ हम सभी पार्टिसिपेंट के लिए नहीं, तो संपूर्ण मानव जाति के लिए है, संपूर्ण देवताओं के लिए है। मनुष्य मनुष्य प्राणी और देवताओं को हम इस धम्म सुनने को उन्हें अनुमोदन करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस सुनन्तु सगमोक्षदं धम्मसवनकालो अयं भदन्ता धम्म सवन कालो अयं भदन्ता साधु साधु साधु। आशा करते हैं कि आज की धम्मादेशना सभी नए पुराने साधकों को लाभदायी रहे। जब कभी भी संसार में बुद्ध वचन उत्पन्न होते हैं, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। बुद्ध जब भी धम्म की देशना करते थे, तो उस समय कौन से धम्म की जरूरत है, इसको जानकर बुद्ध धम्म देशना करते थे। आज भी हम इसी श्रद्धा के साथ में इस धम्म को सुनने जा रहे हैं, कहने जा रहे हैं कि आज हमें भी इस धम्म की जरूरत है। सारे जीवों को इस धम्म की जरूरत है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब हम अभी कुछ नए साधक होंगे या फिर पुराने भी साधक हैं, कि ध्यान के लिए शील पालन करने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी जो अकुशल विचार हैं उससे वो दूर नहीं हो पाते। कुशल विचार को कंटिन्यूअसली प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो हमेशा सोचते रहते हैं कि मैत्री भावना करेंगे या फिर शील पालन करेंगे, दस शील लेंगे, अष्ट शील लेंगे, पंच शील लेंगे। रोज हम शील ग्रहण करते हैं, ग्रुप में भी डाला जाता है कि आज हम अष्टशील का पालन करेंगे, आज ही अष्टमग्र शील को धारण करेंगे। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी हम शील को परिपूर्णता से निभा नहीं पाते। तो बहुत लोग ऐसे चाहते हैं कि उनके चित्त में हमेशा कुशल विचार रहे, अकुशल विचार कभी उत्पन्न नहीं ना हो, लेकिन फिर भी चित्त में अकुशल विचार आ ही जाते हैं। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो आ ही जाते हैं। ध्यान करने लगते हैं जब अकुशल विचार आते हैं, शील पालन करने लगते हैं तब भी अकुशल विचार आते हैं। तो बहुत ऐसे हम जीव, सारे जीव इस संसार के इस अकुशल विचार से पीड़ित रहते हैं। हमेशा इसका उपाय ढूंढते रहते हैं। भंते के पास जाएंगे, हमारे किसी गुरुवर के पास जाएंगे, अपने जो गुरु रहते हैं उनसे हम चर्चा करते हैं कि
हम ध्यान करते हैं तो फिर भी विचार बहुत आते हैं, हम शील को धारण करते हैं तो शील टूट जाता है। तो कैसे, जैसे कि कुछ भी कुशल काम करने के समय राग द्वेष ईर्ष्या ये खुद को खुद में आ जाता है, और इसके चलते व्यक्ति ना ध्यान कर पाता है ना शील पालन कर पाता है अच्छे से। तो जिसके चित्त में राग द्वेष ईर्ष्या उत्पन्न होती है वो खुद को भी नुकसान पहुंचाता है, और नुकसान पहुंचाने के बाद में फिर उसको पछतावा होता है कि अरे मैंने ये जो कर्म किया है राग द्वेष ईर्ष्या के चलते, तो इस कर्म से ये नुकसान हुआ है, खुद को भी नुकसान हुआ है औरों को भी नुकसान हुआ है, फिर बाद में वो पछतावा करता है। तो आज की ये धम्म देशना जो है, हम यही बुद्ध वचन यहाँ बोलने जा रहे हैं कि कैसे इस बुरे विचारों से खुद को हम मुक्त रखें, ऐसा क्या करें कि ये विचार मन में उत्पन्न ही ना हो। तो भगवान बुद्ध ने ऐसे बुरे या पापी विचारों से मुक्त होने के लिए कुछ 5 ऐसे उपाय बताए हैं। तो वो जो 5 उपाय हैं, वो 5 उपाय सिर्फ भगवान बुद्ध बोल सकते हैं इस संसार में। तो जब भगवान बुद्ध आज से 2600 साल पहले अपने असंख्य महाकल्पों की पारमिता को पूर्ण कर इस भारत भूमि पर अपना अंतिम जन्म जब वो लिए, तो बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर समाधि को पूर्ण करते हुए महाश्रेष्ठ ऐसी परमत्त ज्ञान को उन्होंने प्राप्त किया, और बुद्ध बनकर सभी क्लेशों को उन्होंने नष्ट किया, खुद के क्लेशों को नष्ट किया, खुद के दुष्ट विचारों को नष्ट किया। तो बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध अपने दिव्य चक्षु से इस दुनिया के लोगों को देखते हैं, तो देखते हैं कि इस दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जिनका चित्त मैम, मेरी आवाज नहीं आ रही है आपको? आवाज क्लियर है? हाँ हाँ, चैट बॉक्स में मैसेज है तो प्लीज रिप्लाई कीजिए उन्हें। तो इस संसार में जो लोग हैं, तो देखते हैं बुद्ध कि बहुत ऐसे लोग हैं जो बुरे विचारों से पीड़ित हैं, उनका चित्त पूरी तरह से मलिन हो चुका है, दूषित हो चुका है। लेकिन फिर बुद्ध ये भी देखते हैं कि कुछ ऐसे भी लोग हैं कि अभी भी उनका चित्त कुछ ठीक है, पूरी तरह से बुरे विचारों से परिपूर्ण नहीं हुआ है। तो भगवान बुद्ध का ज्ञान समझने के लिए बुद्ध कहते हैं कि अगर हमें बुद्ध का ज्ञान समझना है तो चित्त जो है वो स्थिर होना चाहिए, कुछ तो भी उसमें कुशल चित्त होना चाहिए, कुशल बीज होने चाहिए, जब भी हम भगवान बुद्ध का धर्म समझ पाएंगे। तो बुद्ध देखते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं, अपने ज्ञान से देखते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनका चित्त अभी स्थिर है, जो धम्म समझने के लायक हैं, तो वो धम्म को समझ पाएंगे। तो जिनका चित्त थोड़ा ठीक है, अच्छा है, तो उनके लिए ये ज्ञान का मार्ग है। तो भगवान बुद्ध इस संसार को अपने करुणा से, मैत्री से देखते हुए निर्वाण का मार्ग बताते हैं कि कैसे मन के गंदगी को हम दूर कर सकते हैं, निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो आज का हम सूत्र यहाँ बोलने जा रहे हैं, धम्म देशना देने जा रहे हैं, वो भगवान बुद्ध के ही वचन है। मध्यम निकाय में वित्तक सठान सूत्र है। तो इस मध्यम निकाय में भगवान बुद्ध ने बुरे विचारों से दूर रहने के 5 उपाय बताए हैं। जब भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन में रह रहे थे, तो एक दिन ऐसे ही भगवान बुद्ध भिक्षुओं से पूछने लगे, बोले कि भिक्खु, जब कभी भी मन में गंदगी उत्पन्न हो, लोभ उत्पन्न हो, काम वासना उत्पन्न हो, तो इससे मन में क्रोध जागता है, तो इससे दूर रहने के लिए मैं आपको ऐसे 5 उपाय आज बताने जा रहा हूँ। तो वो तो भिक्खुओं के लिए भगवान बुद्ध ने देशना दी थी, लेकिन वही देशना भगवान बुद्ध उपासक उपासिका इस संसार में उत्पन्न होने वाले प्रत्येक जीव के लिए बोलते हैं कि किस तरह से हमारे चित्त में से अगर हमें राग द्वेष ईर्ष्या वासना को मुक्त करना है, चित्त को मुक्त करना है, उससे दूर करना है, तो कौन से ऐसे उपाय करें। तो 2600 साल बाद भी भगवान बुद्ध के उस वितक्क सठान सूत्र की लोगों को जरूरत है, आज हमें भी उस चीज की जरूरत है। तो उस 5 उपाय को आज हम यहाँ सुनने जा रहे हैं कि
कौन से ऐसे पांच उपाय भगवान बुद्ध ने बताए हैं? तो भिक्षुओं को संबोधित करते हुए भगवान बुद्ध पहला उपाय बताते हैं कि जब कभी भी हमारे चित्त में राग, द्वेष, ईर्ष्या, वासना ऐसे जब दूर विचार जब उत्पन्न हो, गंदे विचार जब उत्पन्न हो, तो उस समय हमने हमारे कुशल विचारों को सोच कुशल विचार सोचने चाहिए, कुशल विचारों को उत्पन्न करना चाहिए, पुण्य के विचार को उत्पन्न करना चाहिए। कि भगवान बुद्ध कहते हैं कि मान लो हमें अगर गुस्सा आ रहा है तो हमें उसके विपरीत सोचना है, अगेंस्ट जाके। तो जब गुस्सा रहेगा, क्रोध रहेगा, तो उसके विरोध में क्या है, तो मैत्री है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि जब हमें गुस्सा आए तो हमें मैत्री के बारे में सोचना चाहिए। जैसे कि आप सीख ही रहे हैं अभी हमारे सेशन में कि मैत्री कैसे की जाती है ना। तो कुछ नए साधक है वो थोड़े दिनों में, जैसे कल से ही हम मैत्री भावना का अभ्यास हमारे सेशन में स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो गुस्से के विपरीत हमें मैत्री को बढ़ाना है, मैत्री के बारे में सोचना है। जब कभी भी चित्त में किसी के लिए क्रोध उत्पन्न हो तो उसी समय बुद्ध कहते हैं कि आप वहाँ मैत्री को उत्पन्न करो। तो जहाँ मैत्री जैसे कुशल विचार रहेगा तो वहाँ कभी क्रोध नहीं रह सकता, द्वेष नहीं रह सकता। तो हमें क्या करना है, जब कभी भी चित्त में अकुशल विचार उत्पन्न हो या फिर कोई बुरा विचार अगर हमारे चित्त में उत्पन्न हो, तो उसके विपरीत जो भी अच्छा विचार होगा उसके बारे में हमें सोचना है। कि मान लो कभी किसी किसी को सुंदर रूप देखकर मन में गलत विचार उत्पन्न होता है, काम वासना उत्पन्न होती है, तो बुद्ध कहते हैं कि ये भी तो एक पापी विचार है, तो इसको कैसे दूर करें? तो इस समय हमने क्या करना है, अशुभ के बारे में सोचना है। जैसे कि हमें रूप देखकर, सुंदर रूप देखकर हमें शुभ सोचते हैं, हम उस रूप के प्रति आसक्त हो जाते हैं, तो उसी रूप को अगर हम अशुभ साधना से देखेंगे, अशुभ साधना जो है, जो 32 पार्ट्स ऑफ द बॉडी मेडिटेशन भगवान बुद्ध ने सिखाया है कि 32 प्रकार के अशुभ 32 प्रकार की अशुभ साधना होती है, तो उसके बारे में सोचना है। कि इस शरीर को अगर हम उल्टा करके देखें, जो भी शरीर है हमारा उसको अगर हम उल्टा करके देखें, इसके ऊपर से अगर ये मांस जो है, थोड़ा सा मांस की लेयर है, इसको अगर हटा दे तो हम देखते हैं कि कहीं पे भी शरीर में सुंदरता नहीं है। इस शरीर के 9 दरवाजों से निरंतर गंदगी बहती रहती है, तो इस शरीर में किसी भी प्रकार की सुंदरता नहीं। तो इस प्रकार के इस तरह से सोचने से, मतलब सुंदर रूप के प्रति अगर हम आसक्त होते हैं तो उसी से उसके विपरीत अगर हम अशुभ साधना के बारे में सोचेंगे, अशुभ ध्यान करेंगे, तो हम हमारे चित्त को कुशल बना सकते हैं, हमारे चित्त से ऐसे मैल को, ऐसे गंदे विचार को, पापी विचार को हम निकाल सकते हैं ऐसा सोचने से। तो ये अशुभ साधना जो है, ये बोलने में अशुभ साधना है लेकिन ये शुभ साधना है। शुभ इसलिए कि इसमें भगवान बुद्ध शरीर के सच्चाई का दर्शन करवाते हैं। हम शरीर को सही रूप से जानते हैं, सत्य रूप से जानते हैं, सत्य रूप से देखते हैं। तो जब कभी भी हम अशुभ साधना करेंगे या करने के बारे में सोचेंगे, तो उस समय अपने चित्त में कभी भी शरीर के प्रति आसक्ति उत्पन्न नहीं होगी, लोभ उत्पन्न नहीं होगा। तो इस तरह से हम अपने पापी विचारों से हम खुद को दूर कर सकते हैं। बुद्ध आगे कहते हैं कि मान लीजिए कि मन में मोह उत्पन्न हो रहा हो, ये भी एक पापी विचार है, तो उसके भी हमें विपरीत सोचना है। किसी चीज के लिए हम आसक्त हैं, संपत्ति के प्रति आसक्त है, तो उसके विपरीत हमें ये सोचना है कि जिस चीज के लिए हम आसक्त है, जिसको हम परमानेंट देख रहे हैं, नित्य रूप में देख रहे हैं, उसको हमें अनित्य रूप से देखना है। कि ये सब बदलने वाला है, नष्ट होने वाला है। हम देखते हैं कि राजा महाराजाओं का बड़ा बड़ा महल था पुराने जमाने में, सोने के भंडार थे उनके पास, लेकिन अब है क्या? नहीं है। तो किस चीज का हमें गर्व करना है, किस चीज का हमें मोह करना है? हमारे पास तो उतनी संपत्ति है भी नहीं। कोई भी चीज का अगर हम मोह करेंगे, लोभ करेंगे, तो वो सिर्फ कितने साल तक रह सकता है? 100 साल। मान लो कि हम 100 साल किसी चीज का मोह करते हैं, तो जब तक हम जिंदा है तब तक ही हम उस चीज से आसक्त रह सकते हैं। या कोई ऐसी चीज है जिसके प्रति हम बहुत आसक्त हैं, तो उस चीज का आयु आयु जो है
वो भी 100 200 साल हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। एक दिन वो चीज 100 साल बाद 200 साल बाद नष्ट ही हो जाएगी। इस तरह से सोचने से चित्त में किसी भी चीज के प्रति या किसी भी व्यक्ति के लिए मोह उत्पन्न नहीं हो पाएगा, आसक्ति उत्पन्न नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से कुशल विचार सोचने से एक पापी विचार को हम दूर कर सकते हैं। ये भगवान बुद्ध ने पहला उपाय यह बताया है। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं कि कभी कभी कुशल विचार लाने से के बाद भी वो पापी विचार यानी राग द्वेष या लालच या काम वासना फिर से आ ही जाते हैं, आ सकते हैं, ऐसा सोचने के बाद भी आ जाते हैं। हमने बहुत कोशिश की कि हाँ अनित्य रूप से देखना है, विपरीत रूप से देखना है, गुस्से की जगह मैत्री को उत्पन्न करना है, मोह की जगह अनासक्त रहना है, सुंदर रूप को देख के अशुभ साधना करनी है। ये सब हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर भी ये फिर से उत्पन्न हो जाए मान लीजिए। तो भगवान बुद्ध ने यहाँ दूसरा उपाय बताया है कि क्या करे, फिर आगे क्या करे अगर ऐसा करने के बाद भी चित्त में राग द्वेष ईर्ष्या मोह वासना अगर उत्पन्न होती है तो दूसरा उपाय क्या करे। तो इस मनुष्य के मन में 5 ऐसी क्षमताएं है, बुद्ध कहते हैं कि जिससे मनुष्य पाप कर्मों से पापी विचारों से खुद की रक्षा कर सकता है, खुद को रक्षा प्रदान कर सकता है। लेकिन उस 5 क्षमताओं का हमने प्रयोग करना चाहिए, उसको उपयोग में लाना है। कि हम सब जानते हैं कि गुस्सा आने पर मैत्री करनी है, सुंदर रूप के प्रति आसक्ति होने से हमें अशुभ साधना करनी है, या किसी चीज का हमें बहुत मोह हो गया, आसक्ति हो गई है तो उसके विपरीत सोचना है कि ये नष्ट हो जाएगी। ये सब हमें पता है लेकिन हम उसको प्रैक्टिस में नहीं ला रहे, हम उसको धारण नहीं किए हुए हैं, तो उसका कोई भी परिणाम नहीं होगा। तो ये सारी चीजें बुद्ध कहते हैं कि हमारे अंदर ही वो क्षमता है कि हम उसको अपने जीवन में लाके प्रयोग करके अपने अकुशल विचारों से खुद को मुक्त कर सकते हैं, हम में ही वो क्षमता है। भगवान बुद्ध ने बताया है कि कुशल विचार पुण्य विचारों से मनुष्य जो है पापी विचारों से बच सकता है। तो कौन सा दूसरा उपाय बताया है? बुद्ध कहते हैं कि जब भी गुस्सा क्रोध लोभ लालच या अहंकार हमारे चित्त में उत्पन्न हो जाए तो व्यक्ति ने देखना है उसके परिणाम के बारे में कि अगर ये मेरे चित्त में है, मेरे चित्त में राग द्वेष ईर्ष्या उत्पन्न हो रही है, ठीक है उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, तो इसके परिणाम क्या होंगे, विपाक क्या आएगा, इसका फल क्या होगा। जब व्यक्ति उसके फल के बारे में सोचेगा तो उसके चित्त में वो देखेगा कि राग द्वेष ईर्ष्या वासना में लीन रहने के कारण क्या विपाक आता है, क्या परिणाम आता है। तो जब कभी भी क्रोध ईर्ष्या या द्वेष या काम वासना लालच ऐसे आदि विचार अगर मन में उत्पन्न हो तो एक ज्ञानी व्यक्ति ने उसे समझना चाहिए, देखना चाहिए कि हाँ मेरे चित्त में ये कुशल विचार उत्पन्न हो रहे हैं, इससे मेरे जीवन पर ही दुष्परिणाम होंगे। कि मान लो अगर किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ज्यादा वो गुस्सा कर रहा है, तो उसका पहला दुष्परिणाम ये है कि खुद ही वो अंदर से बहुत व्याकुल हो जाएगा, अंदर से ही वो खुद को जलन महसूस करेगा, उसका मन बेचैन हो जाएगा। उसके बाद भगवान बुद्ध कहते हैं कि गुस्सा करने के बाद व्यक्ति दुगति में जन्म लेता है। गुस्से से जो लोग किसी को मारते हैं, गाली देते हैं, हत्या करते हैं, तो उसको मृत्यु के पश्चात भी दुगति को जाना उसका तय होता है। तो अगर ये चीज हम जान ले कि इसका गुस्से का विपाक जो है इसका परिणाम ऐसे है कि जिंदा रहने के बाद भी वो व्यक्ति कभी शांत नहीं रहता, अंदर ही अंदर वो घुटन महसूस करता है, उसके आजू बाजू कोई उसको प्यार से नहीं देखता, उसकी तरफ मैत्री से नहीं देखता है, और यही नहीं तो मृत्यु के बाद भी उसकी दुर्गति तय है। अगर कोई इंसान गुस्सा करता है तो उसे कभी भी सुगति प्राप्त नहीं हो सकती। अगर ये एक इंसान जान ले तो ये सोचना है कि अगर गुस्से मेरे गुस्से के कारण मैं खुद भी अभी ठीक नहीं हूँ और मृत्यु के पश्चात भी मुझे दुर्गति में जाना है, जहां मुझे दुखी है, पीड़ा है, कष्ट है, तो मैं क्यों ये गुस्सा करूं कि मैं दुगति में जाके उस पीड़ा का अगर मैं अनुभव लूंगा तो मैं नहीं, कोई भी ये नहीं चाहता कि उसे कष्ट हो, पीड़ा हो, व्याधि में रहे कोई इंसान। तो जब उसके विपाक के बारे में उसे पता चल जाए कि गुस्सा करने के बाद उसके दुष्परिणाम ये होंगे, तो व्यक्ति
उस विपाक को देख के खुद को खुद के बारे में सोचेगा तो वो ज्यादा गुस्सा नहीं करेगा, द्वेष नहीं करेगा, ईर्ष्या नहीं करेगा। ऐसे सोचने से वो गुस्से से दूर हो सकता है। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं कि गुस्सा करने वाले लोगों के जीवन में बहुत दुख होता है, और यही नहीं, गुस्सा करने वाले जो लोग होते हैं वो अपनी सुंदरता को भी नष्ट कर देते हैं। हम देखते हैं देखो कि जो लोग ज्यादा गुस्सा करते हैं, जिनके चित्त में मैत्री भाव नहीं रहता, उनका रूप सुंदर नहीं होता, वो कुरूप दिखते हैं। सुंदर भी होने से सुंदर नहीं दिख सकते, कोई उनकी तरफ मैत्री भाव से नहीं देखता है, तो अपनी जो सुंदरता है गुस्से के कारण नष्ट हो जाती है। इतना ही नहीं, बुद्ध कहते हैं जो व्यक्ति गुस्सा करते हैं, जो जीव बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, तो एक जन्म में नहीं, हर जन्म में उनको कुरूपता का सामना करना पड़ता है। हर जन्म में वो कुरूप पैदा लेते हैं, कुरूप जन्म, कुरूपता उनको प्राप्त होती है, सुंदर काया उनको कभी प्राप्त नहीं होती। हम भी देखते हैं हमारे आजू बाजू बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी बिल्कुल सुंदरता नहीं रहती। कोई तो भी भयानक शरीर को रोग लग जाता है, उसके चलते पूरी सुंदरता नष्ट हो जाती है, बहुत कुरूपता आ जाती है। तो इसका यही कारण है कि हम ये हमारे गुस्से का परिणाम है। ये बुद्ध वचन है कि गुस्सा करने से व्यक्ति को कुरूपता आ जाती है। तो जब हम गुस्से के परिणाम को जान लिए हैं और उसके बारे में अगर हम सोचने लगे, तो किसी को नहीं लगता कि हमें कुरूपता प्राप्त हो, सबको लगता है कि हम सुंदर दिखे। तो इससे क्या करेंगे, ऐसे सोचने के कारण हम हमारे गुस्से पर कंट्रोल कर सकते हैं, उसको काबू में ला सकते हैं, हमारे गुस्से गुस्से को हम दूर कर सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति सुंदर शरीर को देखकर उसके मोह में पड़ जाए, मन में गंदगी उत्पन्न हो जाए, तो बुद्ध ने तो पहला उपाय बताया ही है कि कुशल सोचना है, अपने पुण्य के बारे में सोचना है। अगर इससे भी हमारे अकुशल विचार उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, किसी सुंदर रूप को देखकर अगर हमारे चित्त में अकुशल विचार उत्पन्न हो रहे हैं, पापी विचार उत्पन्न हो रहे हैं, तो बुद्ध ने दूसरा उपाय बताया है कि परिणाम के बारे में सोचो, उसके विपरिणाम के बारे में सोचो कि इससे क्या परिणाम उत्पन्न होने वाला है। अगर मेरे चित्त में किसी सुंदर स्त्री को देखकर लोभ या मोह उत्पन्न हो रहा है, तो उसके खतरों के बारे में हमें सोचना है। तो क्या है कि अगर हम ये गलती कर दे, हम ये गलत काम कर दे कि किसी स्त्री के प्रति, किसी पुरुष के प्रति अगर हम आसक्त हो जाए, उससे हम उसके साथ में हम गलत रिश्ता रखें, तो उसके चलते जब लोगों को ये बात पता चल जाएगी, तो लोगों में मेरा अपमान होगा, लोग मुझे बुरा भला कहेंगे, मेरी निंदा करेंगे। तो ये पहला खतरा है किसी के बारे में, अगर हमारे किसी के रूप को देख के, सुंदर रूप को देख के अगर हमारे चित्त में मोह जागता है, हम उसके लिए अगर कार्यरत होते हैं, कुछ काम करते हैं, उस सुंदर रूप के प्रति आसक्त होके कुछ दुष्कर्म करते हैं, और लोगों को अगर इसके बारे में पता चल जाता है, तो हमारी बदनामी होगी, लोग हमारे बारे में गलत सोचेंगे, मुझे अपमान का सामना करना पड़ेगा। तो ये एक खतरा उत्पन्न हो गया उससे, ये उसका परिणाम है। उसके बाद भी अगर हम विचार करेंगे, तो मरने के बाद हमें दुगति में जन्म लेना पड़ेगा, जहाँ हमें बहुत पीड़ा दी जाएगी। ये बुद्ध वचन है। बुद्ध कहते हैं कि व्यभिचार करने वाले लोगों का एक अलग नर्क होता है, एक अलग उनकी दुगति एक स्थान होता है, जहाँ उनको भयानक शिक्षा दी जाती है, उनके शरीर के अंगों को काटा जाता है, उसके टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं, बड़े बड़े कांटों के वृक्ष होते हैं, उस पर उनको चढ़ाया जाता है, इस प्रकार का लोक है। तो जो लोग व्यभिचार करते हैं, तो मृत्यु के बाद भी वो वहाँ कष्ट उपभोगते हैं, पीड़ा उपभोगते हैं। अगर ये हम जान ले कि ये बुद्ध वचन है, ये सत्य है, तो ये अगर मैं व्यभिचार करता हूँ तो मेरे साथ भी ऐसा होगा। तो ऐसा ऐसे अगर हम सोचेंगे, तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि हम नरक में जाएं, उस ऐसी पीड़ा हम सहे कि जहाँ हमें कांटों के वृक्ष पर चढ़ाया जाएगा, जहाँ हमारे शरीर के अंग को काटा जाएगा। ये अपाय समुत्तर जो सूत्र है, उसमें भगवान बुद्ध ने बताया है व्यभिचार के बारे में, कि जो लोग व्यभिचार करते हैं कैसे उनको हर जन्म में दुख उपभोगने पड़ते हैं। अपाय में तो जाते ही जाते हैं, लेकिन मान लो किसी पुण्य कर्म के कारण अगर वो मनुष्य लोक में जन्म लेंगे, तो उनके बहुत सारे दुश्मन बढ़ जाते हैं।
अगर हमारे बहुत दुश्मन हैं, बहुत सारे लोग हमें हमसे शत्रुत्व रखते हैं, तो मान लीजिए कि हाँ मेरा व्यभिचार का जो शील है तो वो कमजोर है, कामे सुमिच्छाचारा, ये मेरा शील कमजोर है, तो इसके चलते मेरे इतने दुश्मन हैं, मेरे इतने शत्रु हैं। तो बुद्ध ने ये अपाय समुत्तर सूत्र में कहा है कि बहुत ज्यादा शत्रु होने का यही कारण है कि लोग जो है वो अपने शील के प्रति जागरूक नहीं रहते, वो बहुत ज्यादा व्यभिचार करते हैं, तो व्यभिचार करने के कारण उनके बहुत दुश्मन बढ़ जाते हैं। तो ऐसा अगर हम सोचे तो हम ऐसे पाप विचारों से खुद को मुक्त रखेंगे, आसक्ति के विचारों से खुद को दूर रखेंगे। नहीं तो बुद्ध कहते हैं कि और ऐसा सोचना चाहिए कि भगवान बुद्ध ने बताया ही है कि जो लोग व्यभिचार करते हैं उन लोगों को शादी के बाद भी पति पत्नी का प्यार नसीब नहीं होता, पति पत्नी का प्यार नहीं मिलता। हम देखते हैं आज भी कि बहुत सारे पति पत्नी जो है वो अपने सांसारिक जीवन में सुखी नहीं होते हैं, बहुत दुख उपभोगते हैं, एक दूसरे के साथ में अच्छा उनका बिहेवियर नहीं रहता है, उनको सच्चा प्यार नहीं मिल पाता। तो ये भी एक कारण है कि जो लोग बहुत ज्यादा व्यभिचार करते हैं उनको कभी भी सच्चा प्यार नहीं मिलता। ये बुद्ध वचन है, अपाय समुत्तर सूत्र में बुद्ध ने इसके बारे में बताया है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम अगर सांसारिक जीवन में हैं, हम संसार में रह रहे हैं, संसार में उत्पन्न हुए हैं, हम अभी ऑर्डिनरी लाइफ में नहीं हैं, हम भिक्खु नहीं हैं, हम भिक्खुनी नहीं हैं, और इस संसार में हमें रहना है, हमें अगर हमारे पति का प्यार पाना है, पत्नी का प्यार हमें सच्चा मिलना चाहिए, तो हमने भी कभी व्यभिचार नहीं करना है। उसके विपाक के बारे में अगर हम सोचेंगे कि व्यभिचार करने से ऐसा फल मिलता है, ऐसे परिणाम होते हैं, तो फिर हमारा चित्त व्यभिचार के लिए तैयार नहीं होगा, वो अपने साथीदार के प्रति, अपने पार्टनर के लिए पूरी तरह से ईमानदारी के साथ में रहेगा। इस तरह से वो अपने पापी विचारों से खुद को दूर रख सकता है, जब अब व्यक्ति को अपने उसके कर्म के परिणाम के बारे में पता चल जाए। तो ये दूसरा उपाय भगवान बुद्ध ने कहा है कि किस तरह से हम अपने पापी विचारों से कोई भी विचार रहे, राग रहे, द्वेष रहे, ईर्ष्या रहे, क्रोध रहे, मोह रहे, वासना रहे, तो किस तरह से हम इस दूसरे उपाय को देखकर, मतलब उसके परिणाम को देखकर, अपने पापी विचारों से खुद को मुक्त रख सकते हैं। अभी भी हम दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो सुंदर रूप देखकर भी उसके उनके चित्त में पाप उत्पन्न हो जाता है, पाप विचार उत्पन्न हो जाता है, बहुत अकुशल वो सोचने लगते हैं, उस सुंदर रूप को हासिल करने की तीव्र इच्छा रखते हैं, तो इसका परिणाम भी बहुत खतरनाक है। एक बार ये सत्य घटना है श्रीलंका की, श्रीलंका में एक भंते हैं जिन्होंने ये घटना में, ये सत्य वचन है भंते के। तो श्रीलंका में एक बार ऐसे हुआ कि एक युवक था, बहुत ही तरुण एक युवक था, जिसका काम था नारियल तोड़ना। तो पेड़ से वो बगीचा था, नारियल का एक खेत था, उसमें से वो नारियल तोड़ता था हमेशा। तो उस खेत में वो नारियल की खेती थी, वहां पे उसके बाजू में ही एक घर था, जिस घर में बहुत ही एक सुंदर लड़की रहती थी। तो ये लड़का आते जाते हमेशा उस लड़की को देखता, तो उसके रूप के प्रति वो आसक्त हो गया, उसके चित्त में बहुत ही मोह उत्पन्न हुआ, उसको पाने की इच्छा वो रखने लगा, हमेशा आते जाते उसको देखता, गंदे गंदे विचार चित्त में लाता, बहुत पापी विचार को उत्पन्न करता। तो एक दिन ऐसे ही नारियल तोड़ते समय, उसका काम था नारियल के पेड़ पे चढ़ना और नारियल को तोड़ना, ये उसका काम था। सॉरी। तो एक दिन ऐसे ही वो लड़का जब पेड़ पे चढ़ रहा था नारियल तोड़ने के लिए, तो वो लड़की फिर से उसको बाहर दिख जाती है। बाहर दिखती है तो उसको फिर गंदे विचारों से देखता है, उसको पाने की इच्छा रखता है, मन में अलग अलग भाव उत्पन्न करता है उसको पाने के लिए। तो ऐसे ही उसको देखते देखते नारियल के पेड़ के ऊपर चढ़ते जा रहा है, चढ़ते जा रहा है। तो नारियल का पेड़ इतना ऊंचा होता है, तो चढ़ते चढ़ते समय उसका ध्यान नहीं था अपने काम पे, तो पैर उसका फिसल जाता है और वो पेड़ से गिर जाता है नीचे, इतने तीव्रता से वो गिरता है,
और गिरने के बाद तुरंत उसकी मौत हो जाती है। उस सुंदर लड़की को देखते देखते तुरंत उसकी मौत हो जाती है, मर जाता है। तो मरने के बाद वो व्यक्ति जो है उसी स्त्री के, उस लड़की के पेट में कीड़े के रूप में जन्म लेता है, कीड़ा बनता है उसके पेट में। और जब भी रोज उसके मल के द्वारा, उस सुंदर लड़की के मल के द्वारा उसके शरीर से बाहर जाता, फिर मर जाता, फिर उसी के पेट में जन्म लेता, फिर मर जाता, ऐसे 1,000 बार तक हुआ उस लड़के के साथ में। इतना ही नहीं, तो 1,000 बार ऐसा होने के बाद भी वो लड़का मरने के बाद प्रेत योनि में जन्म लेता है, बहुत दुगति में, जहाँ उसको बहुत कष्ट, बहुत पीड़ा, क्योंकि मरते समय उसके चित्त में किसी रूप को देखकर क्या थी, वासना थी, काम वासना के प्रति वो उस लड़की को देखता, उसको गंदे नजर से देखता, बुरे नजर से देखता, चित्त में बुरे बुरे विचार लाता, और उसी में उसकी मौत हो जाती है। और उसमें मौत हो जाने के कारण उसको इतने दुख सहने पड़ते हैं। तो देखिए कि एक मोह और व्यभिचार युक्त चित्त मृत्यु के पश्चात भी कैसे परिणाम देता है। तो अगर इसे हम ध्यान में रखें, तो जब जब हमारे चित्त में ऐसे दुर्विचार आए, तो हमें ये देखना है कि कभी भी हमारे चित्त में पर पुरुष या पर स्त्री के प्रति अगर पापी विचार उत्पन्न होंगे, और हमें ये जान ले कि ये तो अरहंत के वचन है, ये बुद्ध वचन है, कि कैसे एक लड़के के चित्त में सिर्फ पापी विचार आने से, उसने कुछ किया भी नहीं, एक पापी विचार आने से उसकी मृत्यु तो भयानक होती ही है, लेकिन मरने के बाद भी वो सुखी नहीं रहता, कितने हजारों साल तक वो पीड़ा में रहता है, कष्ट में रहता है। तो हमने भी, हम मनुष्य जीवन में आके किसी पर स्त्री के प्रति, पर पुरुष के प्रति हमारे चित्त में भी ऐसे दुर्विचार नहीं आने चाहिए। ऐसे सोचने से मन में उत्पन्न होने वाले पापी विचारों से हम खुद को मुक्त रख सकते हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि ऐसे पापी विचार के परिणाम को देखो, लेकिन कभी कभी मन जो है वो इतना पाप में विलीन हो जाता है, इतना बह जाता है कि उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो उस समय हमारे जीवन में बुद्ध कहते हैं कि एक कल्याण मित्र का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमारे जीवन में कल्याण मित्र हैं, तो जब भी हमारे चित्त में कुछ पापी विचार उत्पन्न होने लगे, जिससे हम खुद को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, तो उस समय अगर हमारे पास कोई कल्याण मित्र है, तो हम हमारे कल्याण मित्र के पास जाके सारी बातें उससे बता के उससे मदद मांग सकते हैं। वो हमें सही रास्ते पे ला सकता है, वो हमें जरूर इस अकुशल चित्त से बाहर निकलने में मददगार साबित साबित होगा। आपने बुद्ध शासन में बहुत बार बताया है कि जीवन में बहुत हजारों मित्रों का होना जरूरी नहीं है, नहीं रहे तो भी चलेगा, लेकिन हमारे जीवन में एक ना एक कल्याण मित्र जरूर होना चाहिए। इवन भगवान बुद्ध के जीवन में भी भंते आनंद उनके कल्याण मित्र रहे हैं। तो हमारे जीवन में भी एक कल्याण मित्र होना चाहिए। कल्याण मित्र यानी जो हमारे कल्याण के बारे में सोचता है, हमारे लिए कुशल सोचता है, हमें कभी भी दुष्कर्म करने नहीं देता, हम पे मैत्री करता है, और किसी भी लोभ से रहित वो मैत्री करता है, किसी भी प्रकार का लोभ मोह उसके चित्त में नहीं रहता, ऐसी उसकी मैत्री रहती है, तो उसे हम कल्याण मित्र कहते हैं, जो धर्म के मार्ग पर खुद आरूढ़ रहे और अपने मित्र को भी उस मार्ग पर खींचते जाए, लेके चला जाए, उसे बुद्ध ने कल्याण मित्र का नाम दिया है। तो हर इंसान के जीवन में एक कल्याण मित्र होना बुद्ध कहते हैं कि बहुत जरूरी है। इवन भगवान बुद्ध के समय में भी एक वंगिस नामक भंते थे। तो भंते एक दिन रास्ते में जा रहे थे, तो एक बहुत ही सुंदर रूप देखा भंते ने रास्ते में। तो सुंदर रूप देखकर भंते का चित्त विचलित हो गया। विचलित हुआ तो उन्होंने जान लिया, क्योंकि वो भिक्खु थे, शील पालन कर रहे थे, तो मन में सिर्फ चित्त बुरा चित्त उत्पन्न नहीं हुआ सुंदर रूप को देखकर। तो भंते जान गए कि अरे, मेरे चित्त में ये गलत भाव उत्पन्न हुआ है। तो वहां उनके साथ आनंद भंते भी रहते हैं। तुरंत ही वो वंगिस भंते आनंद भंते के पास जाके उनसे कहते हैं कि भंते, मेरे मन में इस रूप को देखकर गंदगी उत्पन्न हुई है, तो मैं क्या करूं, कृपया मेरी मदद करो। तो आनंद भंते उनसे कहते हैं कि भंते, आपको जो सुंदर रूप दिख रहा है, उसको आप शुभ से नहीं अशुभ से देखो, अशुभ साधना करो, उस रूप को अशुभ तरीके से देखो,
तो इस प्रकार से देखोगे, अगर आप अशुभ से देखोगे तो आपके मन में जो भी गंदगी उत्पन्न हुई है वो दूर हो जाएगी, और वो भंते भंते आनंद की बात को मानकर अशुभ साधना में लीन हो जाते हैं, और कुछ ही समय में उनके चित्त में जो सुंदर रूप को देखकर जो आसक्ति उत्पन्न होती है, मोह उत्पन्न होता है, उससे वो मुक्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार अपने जीवन में कल्याण मित्र का होना बहुत जरूरी है। तो ये दूसरा उपाय भगवान बुद्ध ने बताया है कि किस तरह से पापी विचारों को, उसका खतरा देखकर, उसके दुष्परिणाम को देखकर हम उससे दूर हो सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर ये पाप विचार, यानी राग द्वेष लोभ मोह, इससे हम दूर ही ना हो पाए तो क्या करें? तो भगवान बुद्ध कहते हैं, बहुत ही सुंदर एक जगह पे भगवान बुद्ध ने उपमा दी है कि कैसे हम पापी विचारों से खुद को दूर रखें, किस तरह से सोचे। कि जैसे कि बुद्ध सुंदर उपमा देते हुए बोलते हैं कि मान लीजिए कि बहुत सुंदर एक शरीर है, स्त्री या पुरुष का बहुत सुंदर शरीर है, और उसके ऊपर मान लो बहुत दुर्गंध युक्त कीचड़ गिर गया या फिर सड़ा हुआ मांस गिर गया, तो वो सुंदर शरीर दुर्गंध देने लगेगा। कोई उस सुंदर शरीर को नहीं देखेगा, देखना पसंद भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके शरीर से दुर्गंध आ रही, उसके शरीर के ऊपर, उस सुंदर शरीर के ऊपर दुर्गंध युक्त ऐसे कीचड़ गिर गया है, कहीं सड़ा हुआ मांस गिर गया तो उससे बहुत दुर्गंध आ रही है। तो ठीक इसी तरह अगर हमारे मन में, बुद्ध कहते हैं कि अगर हमारे मन में पापी विचार आ जाए तो हमारा मन भी दुर्गंध देने लगेगा, कोई उसे पसंद नहीं करेगा। जिस तरह से एक सुंदर शरीर धारण स्त्री या पुरुष अपने शरीर पर से वो दुर्गंध युक्त कीचड़ या सड़ा हुआ मांस देर न करते हुए तुरंत ही उसको दूर करता है। मान लीजिए कि किसी सुंदर शरीर पे सड़ा हुआ मांस गिर गया, कीचड़ गिर गया, तो कितने तुरंत ही, कितने हड़बड़ी में आके वो इंसान उस कीचड़ को दूर करने की कोशिश करेगा, वो सड़े हुए मांस को अपने शरीर से दूर करने की कोशिश करेगा, खुद के शरीर को साफ करेगा, तुरंत ही साफ करेगा, सुगंधित द्रवों के साथ में साफ करेगा ताकि शरीर जो है वो सुगंध देने लगे। तो बुद्ध कहते हैं कि जिस तरह से वो मनुष्य, बुद्ध कहते हैं कि जिस तरह से एक सुंदर व्यक्ति अपने शरीर से दुर्गंध युक्त कीचड़ को, दुर्गंध युक्त मांस को बहुत तुरंत ही दूर करता है, इसी तरह एक मनुष्य जीवन में आके एक व्यक्ति ने अपने मन से पापी विचारों को, यानी राग द्वेष ईर्ष्या मोह काम वासना को तुरंत ही जानकर दूर करना चाहिए, और शील का सुगंध अपने मन में रखना चाहिए। इतनी सुंदर उपमा भगवान बुद्ध ने एक दुष्ट व्यक्ति के लिए दी है। फिर बुद्ध कहते हैं कि गुस्सा लोभ और वासना अगर हमारे मन में आए तो तीसरा जो उपाय है वो हमने क्या करना चाहिए। तो बुद्ध उसके बारे में कहते हैं कि तीसरा उपाय ये है कि सोचना ही नहीं है, उसके लिए सोचना ही नहीं है कि मान लो किसी ने हमें कुछ भला बुरा कह दिया है, कोई गंदा दृश्य हमने देख लिया है जिसके प्रति हमारे चित्त में गुस्सा उत्पन्न हो जाए, लोभ उत्पन्न हो जाए, चित्त जो है वो दूषित होने लगे, तो बुद्ध कहते हैं उसकी तरफ देखना ही नहीं है। अगर आप देखोगे नहीं उसकी तरफ तो कभी मन में उसके प्रति कुछ भाव उत्पन्न ही नहीं होंगे, विचार ही नहीं आएंगे। तो यही बात हमें उस समय करनी चाहिए कि जिस समय किसी बात का अगर आधार लेकर मन में अगर गुस्सा मोह या वासना उत्पन्न हो रही तो उस बात को देखना ही नहीं है। देखोगे नहीं तो उस चीज के बारे में विचार नहीं उत्पन्न होंगे, उस चीज के बारे में सोचना ही नहीं है। तो अगर नहीं सोचोगे तो मन में से हम हमारे चित्त में से अकुशल विचारों को दूर रख पाएंगे। मान लीजिए किसी व्यक्ति के बारे में सोचने से हमें बहुत गुस्सा आ रहा है, तो इससे मुझे मान लीजिए कि वो किसी व्यक्ति के बारे में सोच के बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है और बहुत ज्यादा मन में बुरे विचार आ रहे हैं, मुंह में से हमारे गाली निकल रही है, गंदे शब्द निकल रहे हैं, उससे उसने जो मेरे साथ गलत किया, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने हमारे साथ जो गलत किया उसके बारे में कंटिन्यू सोचने से मन में बहुत गुस्सा आ रहा है कि इसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ ये किया, तो उसके प्रति अगर मन में बहुत गुस्सा आ रहा है, गंदे विचार आ रहे हैं, बैर उत्पन्न हो रहा है, तो जिसने भी मेरे साथ बुरा किया है
उसके बारे में सोचने से अगर मेरे चित्त में अकुशल विचार उत्पन्न हो रहा है तो बुद्ध कहते हैं इससे अच्छा है कि उस व्यक्ति के बारे में सोचो ही नहीं, तो गुस्सा अपने आप दूर हो जाएगा। किसी रूप को देखने से अगर मन में पाप आ रहा है तो उससे अच्छा है कि उस रूप को देखे ही नहीं कि मन में पाप उत्पन्न नहीं होगा। कुछ समय के लिए दूसरे कुशल कर्म के बारे में सोचना चाहिए, पुण्य के बारे में सोचना चाहिए। ऐसा करने से भी हम हमारे पापी विचारों से खुद को दूर रख सकते हैं। भगवान बुद्ध के समय में एक ऐसे ही भंते थे जिनका नाम था अनिरुद्ध। तो अनिरुद्ध भंते जो थे वो राज परिवार से थे, बहुत ही सुंदर। तो एक दिन एक लड़की जो बहुत सुंदर थी तो वो भंते की तरफ देखने लगी। भंते की तरफ देखते ही उसका चित्त जो है वो विचलित हो गया, उसके चित्त में मोह उत्पन्न हो गया कि उसके चित्त में मोह उत्पन्न ये हो गया कि मैं भंते का चित्त जो है वो विचलित करूंगी मेरे रूप से। तो वो बहुत भंते के पास जाके अकुशल कृत्य करने लगी कि ताकि भंते का चित्त जो है वो दूषित हो जाए, विचलित हो जाए। तो उस समय भंते ने क्या किया कि अपने आंखों को बंद कर लिया। आंख बंद करके तो भंते को सिर्फ अंधेरा दिख रहा था, उसका रूप नहीं दिख रहा था। बहुत समय तक भंते ने अपनी आंखें नहीं खोली। वो लड़की इंतजार ही करती रही कि कब भंते आंखें खोलेंगे और वो मेरे रूप को देखेंगे, क्योंकि आंखें खोलने के बाद ही जो रूप उसके रूप का उपयोग कर भंते का चित्त विचलित कर रही थी। तो भंते ने आंखें बंद कर ली तो उसका रूप का कोई भी काम, जो भी वो काम कर रही थी भंते को विचलित करने के लिए, वो कुछ काम ही नहीं दे रहा था। तो बहुत समय तक भंते ने अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे जैसे समय बीतता गया उस लड़की का चित्त भी भंते की उस शील को देखकर शांत हो गया, और उसका चित्त जो विचलित हुआ था भंते के रूप को देखकर तो वो भी शांत हो गया। उसके चित्त में आया कि नहीं, मैं ये गलत कर रही थी कि मैं ये भिक्खु के चित्त को खराब करने जा रही थी। तो भंते को जाके वो लड़की जो है माफी मांगती है और वहां से चली जाती है। तो हम भी हमारे जीवन में इसका उपयोग कर सकते हैं कि अगर कभी किसी वस्तु को देखकर, कभी रूप को, किसी रूप को देखकर अगर हमारे चित्त में राग द्वेष मोह ईर्ष्या या वासना उत्पन्न होती है तो इस वस्तु को, उस रूप को हम देखे ही नहीं। इस तरह से हम अपने पापी विचारों को रोक सकते हैं। हम देखते हैं आजकल कि कोई कोई लोग बहुत ही तीव्रता से अपने मोबाइल टीवी कंप्यूटर का उपयोग करते हैं और उसमें कुछ कुछ दृश्य देखते हैं जिससे राग द्वेष ईर्ष्या वासना भरे दृश्य वो देखते हैं। इससे परिणाम क्या होता है कि उनके मन पर उसका परिणाम हमें दिखता है। उनके मन में भी उसी प्रकार की तीव्रता जाग जाती है, क्रोध जाग जाता है, ईर्ष्या जाग जाती है, मोह वासना जाग जाती है। तो ऐसा दृश्य न देखे न सुने जिससे कि हमारे चित्त में पापी विचार उत्पन्न हो। पापी विचारों को अगर हमारे मन में हम जाने ही नहीं देंगे, उसको रास्ता ही नहीं देंगे, तो हम हमारे चित्त को अकुशल विचारों से मुक्त रख सकते हैं। तो बुद्ध ने ये तीसरा उपाय बताया है कि कोई ऐसा काम ना करें कि कोई ऐसे अकुशल विचार के बारे में सोचे ही नहीं और उसको देखे ही नहीं, उसको रास्ता ही नहीं दे कि वो अपने अंदर जा सके, राग द्वेष ईर्ष्या अंदर जा सके। हमारे हाथ में है कि हम हमारे चित्त को कैसे बंद कर सकते हैं, दरवाजों को कैसे बंद रखे, कब कब बंद रखे, कब कब खुला रखे, ये हमारे हाथ में है, स्वयं के हाथ में है। एक बार एक अरहंत तो भंते महाकच्छायन थे, उनका वचन है। तो एक गाथा, बहुत ही सुंदर गाथा भंते कहते हैं कि चक्षु मस्त यथा अंधो सोतवा बधिरो यथा पक्षवासी यथा मोहो बलवा दुब्बरोतिवा अनयत्थं समुपन्नो सचेतं मथ सानेन। तो इस गाथा का अर्थ है, भगवान भंते ने कहा है, महाकच्छायन भंते ने, कि कभी कभी ऐसा समय आता है कि आंख होते हुए भी अंधे के जैसा हमें रहना चाहिए। तो कौन से समय? जिस समय आंखों के सामने अगर गलत गलत चीज दिख रही है जिससे दुर्विचार उत्पन्न हो तो अंधे जैसा रहना चाहिए। भंते कहते हैं कि कभी कभी आंख होते हुए भी हमने अंधे के जैसा रहना चाहिए। अगर हमारे चित्त में कोई दूषित विचार अगर कुछ देखने से उत्पन्न होता है तो अंधे जैसा होना चाहिए कि देखना ही नहीं। जिस समय कान से गलत गलत चीज सुनाई दे तो भंते, जिससे पाप उत्पन्न होने लगे, पाप उत्पन्न करने वाली आवाजें अगर हमें सुनाई दे तो उस समय भंते कहते हैं कि
कि हमें बहरे जैसा होना चाहिए, रहना चाहिए। कभी कभी कोई लोग बहुत फालतू बातें कह रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हमारे बारे में बहुत बुरा भला कह रहे हैं, तो उस समय भंत कहते हैं कि हमें गूंगे के जैसा होना चाहिए। कभी कभी कोई लोग शरीर से बहुत पापी काम कर रहे हैं, तो उस समय दुर्बल जैसा रहना चाहिए। और जब इस जीवन के पतन के लिए पतन के समय जैसे कि दुगति में जाने वाले काम होने लगे, तो मरे हुए के जैसा रहना चाहिए। बुद्ध कहते हैं कि हम हमारे शरीर से अगर ऐसा समय आए कि ऐसे दुष्कर्म करने लगे कि जिस दुष्कर्म से हम दुगति को प्राप्त होंगे, जो कर्म करने से हम अगर इस शरीर का उपयोग इस तरह से करने से अगर हमें दुगति का लाभ होगा, तो भंते कहते हैं कि उस समय हमें मरे हुए इंसान की तरह रहना चाहिए, मरे हुए शरीर की तरह रहना चाहिए। कि अगर कोई हंसे या रोए, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, वो शरीर कुछ भी काम नहीं करता। तो इस तरह से हमें रहना चाहिए, अंधे की तरह, बहरे की तरह, गूंगे की तरह, मरे हुए इंसान की तरह, इस तरह से हमें रहना चाहिए। तो अगर एक इंसान इस तरह से रहने लगेगा, समझ जाएगा, जान पाएगा, तो कभी भी उसके चित्त में पापी विचार आ नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार पापी विचार आने पर अरहंत भंते के इस पवित्र वचन को याद करेंगे, तो हम हमारे मन को बहुत ही कंट्रोल कर सकते हैं, खुद को पापी विचारों से हम दूर कर सकते हैं। उसके बाद भगवान बुद्ध ने तीसरा उपाय बताया है। कौन सा? पहला उपाय जो बताया था कि पापी विचार अगर आए मन में, तो हमें कुशल विचार लाना चाहिए। दूसरा उपाय बताया था कि अगर मन में पापी विचार आए, तो हमें उसके खतरों के बारे में, उसके दुष्परिणाम के बारे में सोचना चाहिए। तीसरा उपाय भंते ने बताया था, बुद्ध ने बताया कि उस चीज के बारे में सोचना ही नहीं है, उसके तरफ देखना ही नहीं है, देखना ही नहीं चाहिए, या फिर किसी भी पुण्य के बारे में हमें सोचना चाहिए। तो ये तीन उपाय भगवान बुद्ध ने बताए। तो आगे भगवान बुद्ध कहते हैं कि इन तीनों उपायों से भी अगर मन में पाप उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो चौथा उपाय भगवान बुद्ध ने बताया है कि ये पापी विचार कैसे बना है, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। मान लीजिए कि किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, क्यों? क्योंकि कोई उसके बारे में गलत बोल रहा है, उसकी निंदा कर रहा है, उसको बुरे शब्द कह रहा है, तो वो उसको सुन रहा है, तो बुद्ध उसके कारण उसे गुस्सा आ रहा है। तो बुद्ध कहते हैं कि उसके सूक्ष्म रूप को देखना चाहिए। कैसे? कि ये कान है और ये आवाज है। इस कान और आवाज को मिलाने के लिए हमें विज्ञान की जरूरत होती है। कान, आवाज और विज्ञान के मिलने से स्पर्श उत्पन्न होता है। स्पर्श उत्पन्न होने से वेदना उत्पन्न होती है, और वेदना उत्पन्न होने से चेतना उत्पन्न होती है, यानी कि विचार उत्पन्न होता है। और इसके बाद इसका परिणाम जो होता है वो गुस्सा आ जाता है। तो बुद्ध कहते हैं कि अब इसके अनित्य भाव को अगर हम देखें, सोचें, तो ये आवाज जो है ये अनित्य है, ये विज्ञान अनित्य है, इससे उत्पन्न होने वाला स्पर्श अनित्य है, वेदना अनित्य है, चेतना अनित्य है, सब कुछ चेंज हो रहा है। ये आवाज जो मैंने सुनी है कुछ समय बाद नहीं सुनाई देगी, जो दृश्य मैंने देखा है कुछ समय बाद नहीं दिखाई देगा, जो स्पर्श मैंने किया है कुछ समय बाद वो भी नष्ट हो जाएगा। अगर सब कुछ नष्ट ही हो रहा है, तो मैं क्यों गुस्सा करूं? क्यों मेरे चित्त में मैं राग द्वेष ईर्ष्या को उत्पन्न करूं? सारी चीजें तो नष्ट ही हो रही हैं। तो इस तरह से बुद्ध कहते हैं कि हमें चित्त के सूक्ष्म भाव को देखना है, उसके अंतिम रूप को देखना है। एक ध्यानी व्यक्ति, एक साधना करने वाला व्यक्ति अपने दुर्विचारों को मुक्त करने के लिए, अपने पापी विचारों से दूर होने के लिए हर चीज के मूल रूप में जाके देखता है, उसके सही रूप में जाके देखता है। जब बुद्ध ने और एक जगह कहा है कि जब हम किसी रूप को देखते हैं और उसके प्रति हम आसक्त हो जाते हैं, तो लगता है कि हाँ, ये रूप बहुत सुंदर है, ये रूप बहुत सुंदर है, आंखों से देखते हैं तो रूप बहुत सुंदर है। तो बुद्ध कहते हैं अगर इसके सूक्ष्म रूप में जाए, तो ये आंख है और ये शरीर है, इसके देखने के लिए किसकी जरूरत है? विज्ञान की जरूरत है, यानी चित्त की जरूरत है, मन की जरूरत है। तो इसको अगर हम सूक्ष्म रूप से देखें, तो ये जो मेरी आंखें हैं कुछ समय बाद नष्ट हो जाएगी, ये जो रूप है जो मैं देख रहा हूं
वो कुछ समय बाद बदल जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो ये अनित्य है, ऐसा सोचने से हम किसी भी रूप के प्रति आसक्त नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि जिस रूप को, जिस सुंदर काया को हम देख रहे हैं, जिसके प्रति हम आसक्त हो रहे हैं, 100 साल बाद उसी रूप को कोई भी नहीं देखेगा, उसको पसंद नहीं करेगा। इस सत्यता का दर्शन हमें हो जाएगा। तो भगवान बुद्ध एक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि मान लीजिए कि कोई आदमी है जो दौड़ रहा है, तो दौड़ते दौड़ते वो सोचता है कि मैं क्यों दौड़ रहा हूँ, मुझे बैठना है। जब वो बैठ जाता है, उसके बाद बैठ जाता है, बैठने के बाद सोचता है कि मैं क्यों बैठा हूँ, मुझे सोना है। तो फिर बैठने के बाद ऐसे सोचता है कि मैं क्यों बैठा हूँ, मुझे सोना है। उसके बाद फिर वो सो जाता है, फिर सोचता है कि मैं क्यों सोया हूँ, मुझे बैठना है। इस तरह से वो अपनी स्थितियों को चेंज करता है, घटनाओं को चेंज करता है। तो एक व्यक्ति अगर जान ले कि घटना के क्रम को धीरे धीरे अगर कोई बदलता है, घटना के क्रम को, तो एक घटना स्थिर नहीं रहती, हर एक घटना बदल जाती है। जो अगर इंसान ने ठान लिया, जो दौड़ रहा है इंसान, उसने अगर ठान लिया कि मुझे नहीं दौड़ना, मुझे बैठना है, तो वो खुद को बिठा देता है। जब वो बैठा हुआ इंसान सोचता है कि मैं क्यों बैठूं, मुझे आराम करना है, मुझे सोना है, तो वो सो सकता है खुद के विचारों से। तो इसी तरह से जब चित्त में पापी विचार आए, और पापी विचार आने के बाद अगर एक उसको सूक्ष्म रूप से एक ध्यानी व्यक्ति, एक धम्म को धारण किया हुआ व्यक्ति अगर सोचने लगे कि अरे ये पापी विचार मेरे मन में आए हैं, तो इसके दुष्परिणाम यही होने वाले हैं, तो मैं क्यों इस विचार को लाऊं, मुझे इसको स्थिर करना है, इसको मुझे रोकना है। रोकने के बाद ये सोचे कि हाँ मैंने इसे रोका है, मैं इसे रोकने में मैं समर्थ हूँ, मैं सक्सेस हो गया, मैं यशस्वी हो गया, सफल हो गया उसको रोकने में, अब मैं इसको मैं मुझे अभी इसे पूरी तरह से नष्ट करना है। तो अगर एक पापी विचार को रोकने में हम सफल हो जाए, तो एक पापी विचार को नष्ट करने में भी हम सफल हो सकते हैं, ये बुद्ध वचन है। तो इस तरह से बुद्ध कहते हैं कि हर चीज को सूक्ष्म रूप से देखें, उसके अंतिम रूप तक जाएं, अंतिम ध्येय तक जाएं, तो हम किसी भी चीज को, दुर्विचार को हम नष्ट कर सकते हैं, उसके विपाक को देखकर हम नष्ट कर सकते हैं। तो ये चौथा उपाय भगवान बुद्ध ने बताया है कि हर चीज के सूक्ष्म रूप में जाके देखो, तो वो चीज आपको वैसे नहीं मिलेगी, बदलते रूप में मिलेगी, उसके परिणाम बदलते देखेंगे। तो हम इस तरह से हमारे चित्त को शुद्ध रख सकते हैं। इसके बाद भगवान बुद्ध ने एक पांचवा उपाय बताया है। बुद्ध कहते हैं कि अगर हमें हमारे कुशल विचारों से पूरी तरह से दूर होना है, तो हमें हमारे पुण्य के बारे में सोचना है, पुण्य विचार को लाना है। लेकिन पुण्य को लाने के लिए, पुण्य के बारे में सोचने के लिए हमें बहुत ज्यादा बल चाहिए, बहुत बलवान व्यक्ति चाहिए पुण्य के बारे में सोचने के लिए। आसानी से व्यक्ति पुण्य के बारे में सोच नहीं सकता। जब वो दुर्विचार में होता है, दुष्ट विचार में होता है, मन जो है वो पूरे पाप से भर जाता है, वासना से भर जाता है, क्रोध से, ईर्ष्या से भर जाता है, तो व्यक्ति पुण्य के बारे में सोच नहीं सकता, उसके लिए बहुत बल चाहिए। लेकिन एक बार अगर आप अपने पुण्य के बारे में सोचो, तो अपने पापों से आप सहजता से मुक्त हो जाओगे। बुद्ध कहते हैं कि जिस तरह से एक बलवान व्यक्ति कमजोर व्यक्ति को, कुश्ती का जो मैदान होता है, तो कमजोर व्यक्ति को एक बलवान व्यक्ति, जो पहलवान होता है, वो उसको पटक देता है, बहुत आसानी के साथ में पटक देता है। ठीक उसी तरह धम्म में बलवान और पुण्य के मार्ग पर स्थित व्यक्ति ने अपने पापों को, पापी विचारों को खुद से दूर कर उसे हराना चाहिए, खुद से दूर कर उसे हराना चाहिए। कैसे? कि जिस तरह से एक बलवान व्यक्ति कमजोर व्यक्ति को हराता है, उसी तरह से एक पुण्यवान व्यक्ति ने अपने विचार, अपने पापी विचारों को मन से हटाना चाहिए। क्योंकि भगवान बुद्ध कहते हैं कि कोई भी पाप जो है वो बलवान नहीं होता, अकुशल कर्म हमेशा कमजोर होता है, नीच होता है, नीचा होता है, और जो कुशल विचार है वो महान है, शक्तिशाली है। तो जिस तरह से एक पहलवान कमजोर व्यक्ति को मैदान में हराता है, ठीक उसी तरह एक पुण्य करने वाला इंसान पापी विचारों को आसानी से हरा सकता है। सत्य से बलवान, पुण्य से ताकतवर और धम्म से महान कोई नहीं है।
बुद्ध के समान कोई नहीं है। तो इस तरह से ये पांच उपाय बुद्ध ने जो बताए हैं हमें, इस पांच उपाय को एक साधक ने, एक धम्म के मार्ग पर आरूढ़ व्यक्ति ने अपने जीवन में लाने चाहिए। पूरी बुद्ध के धम्म के संघ के ऊपर श्रद्धा रखकर, इस बुद्ध वचन पर श्रद्धा रखकर हमें हमारे अकुशल विचारों से अगर सच में मुक्त होना है, राग द्वेष ईर्ष्या मोह काम वासना से अगर हमें दूर होना है, तो यही ये पांच उपाय हैं जो भगवान बुद्ध के वचन हैं। इस दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई छठवां उपाय नहीं है, कोई छह उपाय नहीं है, छह उपाय किसी ने नहीं बताए। यही पांच उपाय जो भगवान बुद्ध ने बताए हैं, इसी पांच उपायों का आधार लेके, इस पांच धम्म को अपने जीवन में समाविष्ट कर हम हमारे चित्त से राग द्वेष ईर्ष्या मोह काम वासना को दूर कर सकते हैं। और इस समय जो है, भगवान बुद्ध ने जो उपाय बताए हैं, तो निश्चित ही ये जो उपाय हैं बहुत लाभदायी हैं। आज भी 2600 साल बाद भी हमें इस पांच उपाय की जरूरत है। ये पांच उपाय अगर हम हमारे जीवन में लाते हैं, तो कोई भी पापी चित्त, अकुशल चित्त, मारा, कोई भी मारा, चाहे वो कितना भी बलवान क्यों ना हो, वो हमें कभी हरा नहीं पाएगा। क्योंकि बुद्ध ने, अभी हमने सुना है इस वचन में, बुद्ध वचन में सुना है कि बुद्ध कहते हैं कि पाप कभी भी बलवान नहीं होता, अकुशल कर्म कभी भी ताकतवर नहीं होते। जिस तरह एक पहलवान एक कमजोर व्यक्ति को मैदान में हरा देता है, इसी तरह शील धारण करने वाला इंसान, धम्म मार्ग पर चलने वाला इंसान, ध्यान करने वाला इंसान, सत्य मार्ग पर चलने वाला इंसान, इंसान को कभी भी दुर्बल व्यक्ति, पाप करने वाला व्यक्ति या पाप करने वाला चित्त हरा नहीं सकता। उसका एक अपना बल होता है। तो ये बुद्ध की पवित्र वाणी है। हम आशा करते हैं कि इस पवित्र धम्म देशना से हम सभी को लाभ मिले, अपने भी आप में भी वो पांच उपाय जो है अपने जीवन में लाए, और इसके बल से आपको भी धम्म का बल प्राप्त हो। इसी मंगल मैत्री के साथ हम आज की जो धम्म देशना है यहाँ समाप्त करते हैं, और आशा करते हैं कि इस धम्म देशना से ये जो पांच उपाय भगवान बुद्ध ने हम सभी को बताए हैं, इस पांच उपाय से, जिस वजह से हम इस ब्रह्मांड में हैं, इस संसार में हैं, राग द्वेष ईर्ष्या मोह लोभ काम वासना, ये सारे अकुशल चित्त से घेरे हुए हैं, और इस अकुशल चित्त से बाहर निकालने के लिए ये पांच उपाय, ये पांच बुद्ध के वचन हमें हमेशा हमारे निर्वाण तक मददगार साबित हो। इसी मंगल मैत्री के साथ में आज की धम्म देशना यहाँ समाप्त करते हैं। साधु 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 साधु।